हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका लैपटॉप या पीसी मिनटों में फास्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप देखिए कैसे आपका लैपटॉप फास्ट होता है। अगर आपका लैपटॉप पहले कभी हैंग होता था या कोई और प्रॉब्लम आती थी तो वो भी इशू आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ में चलते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा मैंने इंटर में बताया कि मैं आज आपको ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका पीसी अगर हैंग होता था या स्लो होता था वो अब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। हमारी जनरली एक हार्ड ड्राइव होती है, फिजिकल हार्ड ड्राइव जो हमारे पीसी या लैपटॉप में डली हुई होती है। वो हमारी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें से एक पार्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, जिससे आप ये जो यूज़ करते हो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। तो बाकी सारे इसमें आपकी मूवीज़, गेम्स वगैरह, बाकी जो ड्राइव्स बची हैं उनमें डाल सकते हो। जनरली प्रेफर करिए इन दोनों में ही डालें। सो ये जो हमारे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उससे रिलेटेड कुछ फोल्डर इंस्टॉल होते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स। आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ऐप या एप्लीकेशन को, वो डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। सो क्या होता है, धीरे धीरे आप बहुत साल हो जाते हैं, आप कोई चीज़ हटाते ही नहीं हो, इन सब सामान को हार्ड ड्राइव इन दोनों फोल्डर्स में शिफ्ट नहीं करते हो, तो ये बढ़ता चला जाता है और हमारा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो ड्राइव है पूरी भर जाती है, जिससे हमारा पीसी स्लो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लगता है। तो ये है मेन सोल्यूशन। आप कुछ जब भी आप कुछ डाउनलोड करें उसे कुछ टाइम तक आप डाउनलोड्स में रख सकते हैं, पर आपको लगे जैसे ही डाउनलोड आपका काफ़ी भर रहा है या डॉक्यूमेंट्स काफ़ी भर रहा है तो उन सब सामान को आप इन दोनों ड्राइव में शिफ्ट करिए, जिससे कि आपका कभी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव में कभी लोड नहीं आएगा और आपका पीसी कभी हैंग नहीं होगा। गाइज, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे तो इतने सारे फोल्डर यहाँ पर ये है। सो गाइज, ये मैंने अभी अभी रखे हैं यहाँ पर आपको शो करने के लिए कि अगर आपके फोल्डर्स यहाँ पर हो तो उनको यहाँ पर नहीं रखना है। सो आपको करना क्या है कि जितने भी आपके फोल्डर्स यहाँ पर है ये आपके एक्चुअल में यहाँ लोकल डिस्क सी जो ये वाली ड्राइव है इसमें है। तो आपको क्या करना है, इन फोल्डर्स को सारों को उठा के आपको ये जो बाकी जो डिस्क हैं ई और एफ इनमें शिफ्ट करना है, जिससे कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव है वहाँ पर कभी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जैसे ही आप पीसी स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबा के ये टास्क मैनेजर खोलना है, या फिर आप यहाँ नीचे टास्क बार पे आके राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ऐसे भी खोल सकते हैं। ये आपको बताता है कि कौन सी प्रोसेसेस आपकी इस समय चालू हैं, कौन सी बंद हैं, कितनी रैम यूज़ हो रही है, बाकी सब चीज़ें परफॉर्मेंस। तो आपको इस पे स्टार्टअप पे जाना है और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन शो हो रही हो उन पे जो आपको लगता है कि आपको स्टार्ट कर समय चालू नहीं करनी है तो उस पे राइट क्लिक करके उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इससे आपका पीसी काफ़ी ज़्यादा वो होगा, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलेंगी नहीं तो आपका पीसी स्लो क्यों होगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है। और अब सपोज आपने कोई एप्लीकेशन चला के छोड़ दी, वो बहुत देर तक नहीं चली क्योंकि आपका लैपटॉप तो हैंग हो रहा था, बहुत देर तक नहीं चली, फिर आपने उसके ऊपर एक और एप्लीकेशन चला दी, तो इस कर करके आपके सारे काफ़ी सारी एप्लीकेशन चलती है। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से टास्क मैनेजर पर जाना है और यहाँ पर आपकी प्रोसेसेस आ रही होंगी। तो जितनी भी एप्लीकेशन रनिंग एप्लीकेशंस हैं ये बैकग्राउंड में चल रही हैं, ये देखिए आप 0% यूजेज है इनका, ये हमारी करेंटली वर्किंग, वो जैसे हमारा ये मेरा भी रिकॉर्डर चल रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा करंट प्रोसेस है। अगर और कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो मेरे को नहीं चालू करनी है तो उस पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एंड प्रोसेस या रिस्टार्ट कुछ भी कर सकता हूँ। एक ये हमारा सोल्यूशन था। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है कि सपोज हमने आज कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, वो कल हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, पर लेकिन वो हमारे इसमें ओएस में इंस्टॉल हो चुकी है, तो फिर से हमारी ये वाली ड्राइव बढ़ जाएगी और फिर से हमारे पीसी हैंग या स्लो होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको विंडो दबाना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अनइंस्टॉला प्रोग्राम दिख रहा होगा, इस पे आपकी जितनी भी अनयूज एप्लीकेशन है जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते उन पे क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने लगेगा।
सो गाइस, अब मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। इस क्या होता है, कभी कभार जब हम पीसी या लैपटॉप बाय करते हैं, तो हमारी सपोज रैम है 2 GB, और इतना एडवांसमेंट होता जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और सारे एप्लीकेशन के साथ, तो कुछ ऐप्स हमारे रैम के करस्पोंडेंस में नहीं होते हैं, तो हमें उन ऐप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। वो ऐप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी बेकार में स्टोरेज घेरेंगे और आपके लैपटॉप पे चले भी नहीं चले ठीक से, ये कंफर्म नहीं है। तो उन ऐप्स को अवॉइड करें इंस्टॉल करना। और सपोज आपके 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट सूटेबल है, तो आप उसी को इंस्टॉल करें। और अब मैं आपको बताऊंगा और लास्ट और ये फाइनल सोल्यूशन है कि ये सारा कुछ जितना भी मैंने बताया वो सब करने के बाद भी अगर आपका पीसी या लैपटॉप हैंग हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो आपको या तो अपना यहाँ पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके उसकी रैम कितनी है। जितना मैंने आपको बताया आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी हैंग हो रहा है, तो आपको या तो अपना रैम साइज इंक्रीज करवा सकते हैं आप, या फिर ग्राफिक कार्ड आता है एक 2 GB 4 GB, इस हिसाब से आप वो परचेज कर सकते हैं। उस पर भी आपको काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि जितना भी मैंने आपको बताया है आप उसको अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे, डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे, तो आपका लैपटॉप या पीसी कभी भी हैंग नहीं होगा, कभी भी स्लो नहीं होगा। थैंक्स। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियोस की आपको पहले ही खबर पहुंच जाए और आप अपडेटेड रहें। और यहाँ पे मेरे और भी बाकी लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। थैंक यू।